सब्सक्राइब करो NC7 न्यूज़ नु ते लेटेस्ट अपडेट पाउण लई प्रेस करो बेल आइकन। खबरों की शुरुआत इस वेले की सब तो वड्डी अपडेट के नाल। देश विच कोरोना वायरस का कहर थमन का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार भाव आज सेहत मंत्रालय वालों जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश विच कुल मरीजों की गिनती 5,85,493 हो गई है, जिस विचों 17,400 लोगों की मौत हो चुकी है। हुण तक 3,47,979 लोग ठीक हो चुके ने, जबकि सरगर्म मामलों की गिनती 2,20,114 ने। पिछले 24 घंटिया की जेकर गल की जाए तो 18,653 नवे मामले सामने आए ने ते 507 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते दिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्कूली फीस वसूलन के मामले उत्ते प्राइवेट स्कूलों के हक में सुनाए गए फैसले तो बाद पंजाब सरकार ने कोर्ट के इस फैसले को डबल बेंच को चुनौती देने का ऐलान कर दिता है, जिसकी जानकारी खुद सिक्ख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला ने दी है। सिक्ख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला निजी स्कूलों के हक में आया है। उन्होंने कहा कि वह कोर्ट के स्कूलों वालों अध्यापकों को पूरी तनख्वाह दें, बच्चों का नाम ना कटन और फीस में वाधा ना करने के फैसले का स्वागत करते हैं, पर प्राइवेट स्कूलों वालों बच्चों के मापियां तो कोरोना दौरान पूरी फीस वसूलन के हक में दिए फैसले को सरकार हाईकोर्ट की डबल बेंच को चुनौती देगी। विजेंद्र सिंगला ने कहा कि फीस को लेकर सरकार का स्टैंड पहले दिन तो ही स्पष्ट है कि लॉकडाउन दौरान कोई स्कूल फीस नहीं ले सकता है। उन्होंने कहा कि जो स्कूल ऑनलाइन क्लासा लगा रहे हैं केवल वही ट्यूशन फी ले सकते हैं। दस दिए कि बीते दिन पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने फैसले स्कूलों को बच्चों के मापियां तो पूरी फीस वसूलन की इजाजत दे दी है, जिस विच एडमिशन फी और ट्यूशन फी शामिल है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का कल ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर दे विच सब तो मेन गल यह है कि जिहड़े पेरेंट्स के बच्चों के हक की गल सी उस गल के उपर रिलीफ नहीं दिता गया और असी सरकार दे वल्लों पहले दिन तो ही मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 23 मार्च तो ही इस गल के उपर लगे हुए सी कि जिहड़े पेरेंट्स हैं या उन्होंने बच्चे हैं या सरकार लगी हुई सी कि उन्होंने असी तकलीफ ना दईए, उन्होंने असी अज इस करोना की महामारी दे विच असी उन्होंने सपोर्ट करना साडी जिम्मेवारी बनती है, जिस तरह असी बाकी सैक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस गल को देखते हुए जो कल हाईकोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर आया उस दे विच सब तो पहला जी मेन गल आई है वह बच्चों को बच्चों के पेरेंट्स जो रिलीफ देने की गल सी उस दे उपर दो चीज़ों के उपर हाईकोर्ट का ऑर्डर साढ़े हक दे विच नहीं आया या पेरेंट्स के हक में नहीं आया या वह बच्चों के हक में नहीं आया। और बाकी 4-5 चीज़ां जिहड़ियां उन्होंने कीती हैं, चाहे वो टीचर्स की सैलरी को प्रोटेक्ट करके 100% किया, मैं इस गल वेलकम करता है क्योंकि टीचर साढ़े वो वर्ग है जिहड़े तो बिना असी एजुकेशन अधूरी है। तो ये गल भी सरकार ने हाईकोर्ट के विच रखी सी कि टीचर की सैलरी के उपर 70% ना किया जाए, टीचर की सैलरी को पूरा किया जाए। दूजी गल जिहड़ी गल मंजूर की है वो ये की है कि किसी भी बच्चे को स्कूल तो बाहर नहीं कढ़े जाऊगा। तीजी गल जिहड़ी मंजूरी हुई है वो ये हुई है कि बच्चे चाहे महीने बाद फीस दे चाहे क्वार्टरली दे, बच्चों का प्रेरोगेटिव होगा, ये बच्चों की मर्जी होगी कि बच्चे की करना चाहते हैं। चौथा अहम गल ये हुई है कि जिहड़ा 8% का फैसला है रेफी रेगुलेशन एक्ट है कि जिहड़ा पिछले साल की फीस नालों अगले साल स्कूलों वालियां नूं 8% फीस इनहांस करन दा प्रेरोगेटिव हुंदा है, उस गल या वो जिहड़ा मैंडेटरी लॉ है उस दे उपर सरकार को रिलीफ दिता है और यह कहा कि 8% फीस हाइक नहीं होगी। और यह भी मैं कहना चाहना है कि ये सारे कंट्री के वक्-वक् स्टेटा ने इस गल को हमेशा रखे कि कोई भी पिछले साल नालों इस बार फीस बढ़ा के चार्ज नहीं करूँगा। ये सारिया गल्लां वक्-वक् जिहड़े फैसले कल आए हैं ये साडे जिहड़ी सरकार ने पॉइंट्स फाइव कीते सी उस दे तहत आए हैं। और मैं तुहाडे राही ये गल तुहाडे सामने मैं जरूर रखना चाहना कि जिहड़ियां दो गल्लां दे उपर सरकार फाइट कर रही सी जिस दे नाल ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ा फायदा है वो बेसिकली बच्चों ते बच्चों के पेरेंट्स को होना सी फीस को लैके, उस दे पद्धर ते मानयोग मुख्य मंत्री पंजाब जी ने कल कैबिनेट दे विच डिस्कशन की और सारे मंत्रिमंडल के सामने इस गल का फैसला किया और असी एक छोटा जिहा ग्रुप बनाया सी फरदर डिस्कशन वास्ते, जिहदे विच ऑनरेबल ए जी, मेरे सैक्रटरी कृष्ण कुमार जी ते मेरे साडे चीफ सैक्रटरी विनी महाजन जी ते मैं उस च मौजूद सी। उहदी डिस्कशन तो बाद असी ये फैसला किया कि असी सरकार LPA दे विच जाऊगी, डबल बेंच दे विच जाके कोर्ट दे विच असी फाइट करांगे। जिहड़े दो चीज़ां दा सानू रिलीफ नहीं मिलिया उस दे बारे गल करांगे और असी वी विल आल्सो ट्राई एंड प्रे टू द कोर्ट दैट कि कोर्ट उस गल दे उपर रिलीफ दवे, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है और ये बहुत अहम चीज़ है जिहड़ी हर घर दे नाल, हर पेरेंट दे नाल, हर बच्चे दे नाल जुड़ी गल है। और सरकार पहले दिन तो इस गल के उपर फाइट करने वास्ते अपना पक्ष रख रही है। कोर्ट ने जिहड़ी गल्लां दे उपर सानू सहमति दी है उस गल का मैं कोर्ट का धन्नवाद भी करना चाहुंदा, पर नाल दी नाल मैं ये भी कहना चाहुंदा कि जिहड़ी कोरोना की महामारी दे विच ये चीज़ां दी प्रॉब्लम चल रही है उस दे विच सानू कोर्ट बाकी चीज़ां दे विच भी रिलीफ दवे ताकि असी लोगों के वास्ते इस समय विच असी लोगों के हक दे विच खड़ सकीए। कोरोना महामारी के चलदे भारत सरकार ते पंजाब सरकार के हुक्मां तहत बंद किए गए विद्यक अदारे हौली हौली खुलने शुरू हो चुके हैं, जिसके तहत पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला वालों भी पंजाब सरकार के गृह अते न्याय महकमे के हुक्मां के मुताबिक यूनिवर्सिटी कैंपस पूरे स्टाफ नाल खुलण के हुक्म दिए गए हैं। सूत्रां की मन्नीए तां यह हुक्म पंजाबी यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार वालों जारी किए गए हैं। अमृतसर जिले च कोरोना वायरस का कहर रुक नहीं रहा है। अज जिथे अमृतसर, तरन तारण और गुरदासपुर के 3 पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है, उथे एक प्राइवेट डॉक्टर समेत 9 नवे मामले सामने आए हैं। जिले च हुण कोरोना नाल मरण वालियां की गिनती 44 हो गई है, जबकि मरीजों का आंकड़ा 966 हो गया है। पंजाब च बसां दा किराया वधा के कैप्टन सरकार ने कोरोना कारण आर्थिक मंदहाली दा शिकार होए लोकां ते होर वड्डा बोझ पा दिता है। पंजाब च अज तो बस सफर महंगा हो गया है। पंजाब सरकार ने बसां दे किराए विच 1 जुलाई तो वाधा कर दिता है। जानकारी अनुसार आम बसां दा किराया 6 पैसे प्रति किलोमीटर किराया वधाया गया है, जबकि HVAC बसां दा किराया 7 पैसे प्रति किलोमीटर वधाया गया है। इसी तरह वॉल्वो बसां दे किराए विच 10 पैसे प्रति किलोमीटर का वाधा किया गया है। इस दौरान बसां दा घट्टो घट किराया 10 रुपए तय किया गया है। इस दे नाल लंबे रूटां ते इस वाधे का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। कोरोना महामारी के चलदे जिथे पूरा विश्व इसकी मार हेठ गुजर रहा है, उथे डॉक्टर इस महामारी तो बचाव लई कोरोना योद्धे बन के अगे आए, जिन्हां दिन रात एक करके अपनी शानदार सेवावां सदका लोड़वंदां दी निर्विघन सेवा की। इन्हां शब्दां दा प्रगटावा सूबे दे सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर दिवस मौके मैं उन्हां सारे डॉक्टरां नूं सलाम करदा जिहड़े कोविड-19 के खिलाफ कोरोना योद्धा वजों फ्रंट लाइन ते निरंतर लड़ रहे ने अते इस महामारी नूं रोकण लई शानदार सेवावां प्रदान कर रहे ने। उन्होंने कहा कि इन्हां डॉक्टरां दीयां सेवावां सदका पंजाब साडे देश दा मोहरी सूबा बन गया है, जिसने कोरोना वायरस दे फैलाव नूं सफलतापूर्वक रोकिया। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਲੁੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। सरकार ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को 1 महीने के अंदर सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश जारी किया है। यह आदेश घरेलू और शहरी मामलों के मंत्रालय ने उक्त आदेश जारी किया है। प्रियंका सालों तो लोधी स्टेशन के लग्जरी बंगला नंबर 35 रह रही थी। आदेश किया गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों जारी उच्च पदरी सुरक्षा होने के चलते कोई सरकारी बंगले का हकदार नहीं हो जाता है। मंत्रालय वालों जारी नोटिस किया गया कि जेकर प्रियंका 1 अगस्त तक इस बंगले को खाली नहीं करती है तो उसने जुर्माना भी देना होगा। दस दी कि सरकार ने प्रियंका उन्होंने मां सोनिया गांधी और भरा राहुल गांधी को दी गई SPG सुरक्षा कवर को पिछले साल नवंबर च वापस ले लिया। सो अगली गल करते हैं भारत च जल्द ही 155 प्राइवेट ट्रेन चलनिया। रेलवे ने कवायद शुरू कर दी है। निजी कंपनियों तो टेंडर मंगे गए ने 109 रूटा से ट्रेन चलनिया। दस दिए कि IRCTC जो पहला भी निजी तेजस ट्रेनों का भी संचालन कर रहा है। सो निजी ट्रेनों के नाल कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पहली बार है कि रेलवे विभाग ने निजी कंपनियों तो बोली मंगी है। सो जल्दी ही पटड़ी ते निजी ट्रेनें चलनिया जिसके नाल लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उधर जीरा च एक नौजवान वालों मानसिक परेशानी के चलदे खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। दरअसल जीरा सनेर रोड ते स्थित जीरा मोगा बाईपास के नेड़े रहंदे दरियावल सिंह नाम के एक नौजवान वालों मानसिक परेशानी के चलदे फाहा लैके आत्म हत्या कर ली है। लड़के के पिता ने पत्रकारों को जानकारी दिंदे दस्सिया कि वह गुरुद्वारा साहिब सनेर विखे सेवादार वजों काम करता है। रोज की तरह जो अज वह गुरुद्वारा साहिब विखे अपने काम से गया तो घर में मौजूद उसके लड़के ने मानसिक परेशानी के चलदे फाहा लैके मौत को गले लगा लिया। सूचना मिलने ते थाना सिटी जीरा पुलिस ने मृतक नौजवान की लाश को कब्जे में लैके सिविल हस्पताल जीरा विखे उसका पोस्टमार्टम कराने उपरंत बनती कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ जी, ये लड़का जिन्हें सुसाइड की थी, तो क्या लगता है? मेरा मुंडा। की गल बनी की तो की गल बनी, महाराज जाने भाना वरते की चंगा पा छड्ड के गए हैं। कहानी तो की चंगा पा बाई छड्ड के गए हैं। आउंदियां नूं वेखिया ते बीबी आई घर दी आई ते मुक्का पिया। उहने दस्सिया फिर मैनू फोन लाया ते मैं जतेरा तो आया। ये लड़का ब्याह या कुवारा? नहीं नहीं कुवारा, सोहरा छद्दा। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी पातशाही छेवीं गुरुद्वारा गुरु सर सनेर का मैंबर है उधम सिंह, जोड़ा ये बाज सिंह है। ये साडा दुध की गजा करता है आथन शाम दोवें टाइम। ये घर वाली भी बीबी जी उ सेवा करन चली जाती है सवा ये बाद। जो मुंडा जोड़ा ये थोड़ा दिमाग का मैंटल सीगा, इहदा दिमाग नहीं काम करता तो मंदबुद्धि सीगा। इनू पता नहीं की होया भी, मतलब बाद कोई आपकी हत्या कर ली।